मध्य प्रदेश में चल रहा था। मैं सिवनी जिले से परसों निकला हूँ समर्थन देने के लिए और कल यहाँ शाम 6 बजे आ गया। तुसी दिल्ली तो आए हो तो दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल से भी लगता है कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर उत्थे जेल च बंद है, केजरीवाल के साइना करके नहीं रहा हो रहा। लड़ाई जीती तभी जा सकती है जब तैयारी जिसकी अच्छी और मजबूत होती है। केजरीवाल की बात छोड़ो, सरकार तो चल रही है मोहन भागवत के इशारे पर, माता सोनिया गांधी के इशारे पर कि अम्मा कांग्रेस है। तो सोनिया गांधी और मोहन भागवत का मिली जुली खेल है, यूपीए एनडीए की खेल चल रही है, केजरीवाल तो उसका बचवा है। ये लोग जालिम है और ये तो जालिम का बच्चा है। सो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई चंडीगढ़ दे विच पक्का मोर्चा लग्या होया है ते वख-वख समें ते मोर्चे दी जिहड़ा समर्थन करन दे लई वख-वख जथेबंदियां आउंदियां रहिंदियां। अज इक होर जथेबंदी जिहड़ी आ बाहरले किसे सूबे दे विचों आई है, गलबात करदे आ। आप कौन से सूबे से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप कब से इस मोर्चे की हिमायत करने के लिए जहाँ पहुँचने का प्रोग्राम बनाया आपने? सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। मेरा किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पाठ 4 मध्य प्रदेश में चल रहा था। मैं सिवनी जिले से परसों निकला हूँ समर्थन देने के लिए और कल यहाँ शाम 6 बजे आ गया। और आज हमारे 89 सहयोगी संगठन हैं, वैसे 6 लाख संगठनों का जो देश में है, बट वो ये संगठनों को एक मंच पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हमेशा हमेशा के लिए सारे लोगों के दुख दूर करने का एक भी बड़ा प्लेटफार्म है बहुजन क्रांति मोर्चा। उसके तरफ से 89 संगठनों के तरफ से हम समर्थन देने आज यहाँ आ पहुँचे हैं। की लगता जिहड़े बंदी सिंह जेलों के बंद है, किन्ने समय तो वह जेलों के बंद ने, प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ दिल्ली तुसी दिल्ली तो आए हो तो दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल से भी लगता है कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर उत्थे जेल च बंद है, केजरीवाल के साइना करके नहीं रहा हो रहा? देखो अगर समस्या देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है और उस लेवल का हमारे पास ताकत होना चाहिए, तो लड़ाई जीती तभी जा सकती है जब तैयारी जिसकी अच्छी और मजबूत होती है। तो अभी केजरीवाल की बात छोड़ो, सरकार तो चल रही है मोहन भागवत के इशारे पर, माता सोनिया गांधी के इशारे पर। संघ को बनाने वाला कांग्रेस है, यानी आरएसएस की अम्मा कांग्रेस है। तो सोनिया गांधी और मोहन भागवत का मिली जुली खेल है, यूपीए एनडीए की खेल चल रही है, केजरीवाल तो उसका बचवा है, केजरीवाल तो उसका बचवा है। आप जानते हो 1947 का कत्लेआम नेहरू ने करवाया था सिखों का, 1984 का दंगा जो हुआ है इंदिरा गांधी का प्री प्लान के द्वारा हुआ था। तो ये लोग जालिम हैं और ये तो जालिम का बच्चा है। अरे मैं सल्यूट करता हूँ शेर पंजाब को जो यूपीए इंडियो को नकार करके साइड में करके अब बचवा है। बचवा तो मच्छर है, उसको आप चाहोगे तो ऐसे मसल दोगे। मैं कुलदीप सिंह हिस्सापुरी जी, पंजाब प्रधान बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं राम स्वरूप वर्मा जी साढ़े नैशनल प्रधान है किसान विंग दे, ते अज एक कौमी इंसाफ मोर्चा नूं सपोर्ट देने आए, असी इन्हां दे नाल हैं। कौमी इंसाफ मोर्चा नूं सपोर्ट देना चाहते हैं ते असी पहला भी पिछले साल पूरे देश दे विच परिवर्तन यात्रा कढ़ी सी और असी ये एजेंडा रख्या सी कि इन्हां नूं बंदी सिंघां नूं रिहाई दित्ती जावे। असी जी हरजिंदर सिंह सिद्धू मिठण, राष्ट्रीय किसान मोर्चे का पंजाब प्रधान जी, पिंड रामसराई साडा बठिंडे जिले च। असी भी कौमी इंसाफ मोर्चे का साथ देने वास्ते आए हैं, साढ़े सिखां नूं रिहा किया जाए छेती तो छेती। तो मोर्चा जी हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे सिख भाई बंदी हैं उनको ये जो जालिम सरकार है, संविधान का संज्ञान लेते हुए उनका जो एक निश्चित सजा की अवधि है उस अवधि को ध्यान में रखते हुए एक भी दिन, एक भी घंटे, एक भी सेकंड उनको नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय और अपराध है। इन अन्याय और अपराध के लिए इनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं पूरे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तरफ से यह बात कहता हूं कि अब इनको शासन सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद।
इनको रिहा जल्द रिहा करा दें, अन्यथा हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर महाअभियान चला करके देश से बाहर में तमाम हमारे देश के लोग गए हैं उनसे भी अपील करेंगे, सारे लोग इस आंदोलन का साथ सहयोग दें और जल्दी लड़ाई फतेह कर लें। ठीक है, शुक्रिया। तो देखें कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिहड़ा हैगा उहदे वल्लों समर्थन किया गया जिहड़ा मोर्चा पक्का मोर्चा बंदी सिंघां दी रिहाई दे रही चंडीगढ़ दियां बरूहां दे उत्ते लग्या होया सीगा। ते तुसीं देखिया कि अपने जथे दे समेत वख-वख सूबियां दे आगू जिहड़े ने पहुंचे है ते उहनां वल्लों पूरा समर्थन जिहड़ा है उहो बंदी सिंघां दी रिहाई लई जिहड़ा मोर्चा लग्या होया उहनूं कीता गया। 31 मैंबरी जथा रोज़ जांदा हैगा मुख्यमंत्री दी रिहायश वल्लों, ते कुछ कहना चाहुंदे ने भाई जी? अकाली कांग्रेसियां दा नहीं है सानू, जो भी इतने नीमा हो के आता गुरु साहब की हजूरी के सानू वह बंदा प्यारा, सानू कोई अकाली का नहीं कोई कांग्रेस का नहीं, असं किसी भी पार्टी संबंध नहीं रखते है, असं सिर्फ कौम के लिए खड़े हाँ, असं कौम के लिए खड़ा। मैं खुद मैं हिंदू धर्म तो बिलोंग कर रहा, मैं एक महीना तीन दिन हो गए जी। ना क्या तुहाडा? मेरा नाम भगवान चंद, मैं भगवान सिंह रखे हूँ। अच्छा हाँ जी, पिंड मेरा मल्ले वाला। अच्छा कदों रखे भगवान चंद? भगवान सिंह मैनू अज तो 15-20 दिन हो गए, मैं एक महीना चार दिन हो गए उरे। शुरू तो मैं फतेहगढ़ साहब जा रहा, फतेहगढ़ साहब जाके सेवा करनी है, जिथे भी जावां मैं गुरुद्वारा साहब मैं सेवा करनी है। मेरा डैडी दे भी रखे हुआ सीगा, मेरे ताया जी दे दादा जी दे सब दे ओ सीगा। तुहानूं प्रेरणा कित्थों मिली? 3 साल पहला प्रेरणा कित्थों? मैनूं वीर जी मैनूं फतेहगढ़ साहिब तों मिली है। अच्छा हाँ जी, मैं फतेहगढ़ शहीदां दी धरती ते साहिबजादां करके, बाकी गुरु गोबिंद सिंह जी करके, बाकी गुरु तेग बहादुर जी उहनां ने हिंदू धर्म पिछे अपना शीश कटवाता। अच्छा हाँ जी, फतेहगढ़ साहिब उहदे करके सानूं मैनूं शुरू तों ही लगन इधर आ। सिखां दे जवाक तां तुसीं देख सकदे हो कि आम बाल कटा रहे नाइयां दे जा रहे। पहला मैं भी वीर जी इकने सीगा, मैं भी इकने करदे, पर मैनूं प्रेरणा ज़्यादा मिली है हुण इत्थे, मैनू होर भी हौसला होया जिस दिन मैं आया उरे, क्यों मेरी सारे बंदे ने मेरा बहुत सत्कार करया। हाँ जी हाँ जी, कोई मन दे विच शिकवा तां नहीं रहा? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, कोई मैनू कोई बोलदा नहीं है, कोई आया नहीं भी हाँ भी तू किवें फिरदा जां की गल्लबात, बहुत बहुत ज़्यादा सत्कार कर रहे हैं। अच्छा हुण भगवान दास तों भगवान सिंह बन गई हाँ, एक जकारा ला के संगत नूं दस दो माड़ा बोले सोनिहा। सो वीर जी नहीं भगवान दास तो भगवान सिंह बने हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्पल जी सैट की है, तो 3 साल पहला कहते मैं प्रभावित होया 30 घर के पिछों भी रहे, मैं कला सिंह सजा पिंड के पिछों पंडतों का मुंडा। अच्छा पंडतों का मुंडा कहते सिंह बन गया, हुण तुसीं देख सकते हो तस्वीर मोर्चे के बच्चे अज जथे के बच्चे शामिल होना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरा डट के मुकाबला करा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई जी, उन्हें जथे जी नाल खड़े हाँ, सारे बंदी सिंह जिन्हें भी है उन्होंने नाल हैं जी। असं हाँ जी, जी अपने आप के बच्चे एक बहुत वड्डी स्टोरी बनती अपने आप के प्रेरणा स्रोत ने वीर जी उन्हें जेडे भगवान दास तो भगवान सिंह बने हैं, तो बई जी ने दसा कि 3 साल पहला मैं प्रभावित होया फतेहगढ़ साहब की धरती तो, फतेहगढ़ साहब की धरती तो लगन जी लगी तो वह चेटक जी इतने आ गए हुण मोर्चे के लगे हुए, मोर्चे के आ गए पूरा जज्बा जोड़ा हौसला उन्हों का पूरा कमाल का है। तस्वीर जड़िया ने इस वक्त मोर्चे दिया देख सकते हो।